आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर, कक्षा तृतीय, विषय हिंदी। आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं पाठ 9 में सड़कों। अब तक जो हमने इस पाठ में पढ़ा उसकी पुनरावृत्ति कुछ प्रश्न उत्तर के माध्यम से करते हैं। आइए देखते हैं अब तक हमने क्या पढ़ा उसकी पुनरावृत्ति। आइए पढ़ते हैं पाठ 9 में सड़कों भाग 3। मैंने अपने ऊपर कभी लोगों के थके हारे कदमों की आहट सुनी है तो कभी तेजी से चलते हुए उत्साहित कदमों की धमक। हाँ, कभी कभी तो ऐसी दुर्घटना हो जाती है कि लोगों की मौत तक हो जाती है, तब मुझे दुख होता है क्योंकि मैं उनकी कोई मदद नहीं कर पाती। यदि लोग मेरे किनारे लगे संकेत चिन्हों का पालन करें तो दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। सड़क इस पाठ में अपनी आत्मकथा के रूप में कह रही है कि मैं कभी अपने ऊपर थके हारे कदमों की आहट सुनती हूँ तो कभी तेजी से चलते हुए उत्साहित कदमों की धमक। मतलब सड़क यह बता रही है कि कभी उसके ऊपर निराश या थके हुए व्यक्ति चलते हैं तो कभी उत्साहित और सफल व्यक्ति चलते हैं। सड़क यह कहती है कि जब कभी दुर्घटना होती है और उस दुर्घटना में जब लोगों की यात्रियों की मृत्यु हो जाती है तब सड़क को बहुत दुख होता है। और सड़क यह भी कह रही है कि उस समय मैं उनकी कोई मदद नहीं कर पाती। सड़क दुखपूर्वक तथा हमको शिक्षा देने के रूप में कहने का प्रयास कर रही है कि यदि लोग सड़क पर लगे संकेत चिन्हों का पालन करें तो ऐसी दुर्घटनाओं से भी बच सकते हैं। ऐसा सड़क हमको बताने का प्रयास कर रही है। पढ़ते हैं आगे। चाहे जो भी मेरे ऊपर होकर गुजरे मैं सबके सुख दुख में उनके साथ शामिल हो लेती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि सब लोगों को उनकी मंजिल तक पहुँचा सकूँ। चलते रहो यही मैं कहना चाहती हूँ। सुख और दुख तो जीवन में आते जाते रहते हैं पर हमें उसकी परवाह न करते हुए चलते रहना चाहिए। सुनो अभी अभी मेरे ऊपर होकर एक गाड़ी गुजरी है, क्या तुमने भी उसमें बजता हुआ गाना सुना है? रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। इस प्रकार सड़क हमें यह बताने का प्रयास कर रही है कि मेरे ऊपर से कोई भी गुजरे मैं सबकी सुख दुख में उनके साथ शामिल होती हूँ, सबको उनकी मंजिल तक पहुँचाती हूँ। और सड़क निरंतर एक ही बात हमको कहने का प्रयास कर रही है कि चलते रहो, निरंतर चलते रहो। सुख दुख तो जीवन में आते जाते रहते हैं लेकिन हमको उसकी चिंता नहीं करके हमें आगे निरंतर चलता रहना चाहिए। हमें अपना प्रयास, अपना कार्य निरंतर करते रहना चाहिए। पाठ में आए मुख्य शब्दार्थ। आहट मतलब आवाज़, दुर्घटना बुरी घटना किसी प्रकार का हादसा होना, चिन्ह मतलब निशान, निर्दोष जिसका कोई दोष न हो, इतिहास पुरानी घटनाओं का विवरण, उत्साहित मतलब जोश से भरा हुआ, धमक मतलब भारी आवाज़। काली सड़कें बड़े गड्ढे, इनमें काली और बड़े शब्द सड़क और गड्ढे की विशेषता बता रहे हैं। विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण लगाकर आप भी नए नए शब्द बनाने का प्रयास कीजिए। एक एक शब्द बना के बताया गया है, मीठा गुड़, सुंदर गुड़िया। इस प्रकार आप भी नए शब्द बनाइए जो उन शब्दों की विशेषता बता रहे हो। सड़क के किनारे लगे संकेत चिन्हों का पालन करें तो दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। आइए हम ऐसे संकेत चिन्हों को देखते हैं। उन संकेत चिन्हों क्या बताने का हमको प्रयास कर रहे हैं यह भी देखते हैं। आप इन्हें देखिए और इस चित्रों को अर्थ सहित अर्थात यह क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं यह लिखते हुए ऐसा संकेत चिन्ह अपनी कॉपी में बनाइए। अभ्यास प्रश्न। सड़क पर हो रही दुर्घटनाओं से कैसे बचा जा सकता है? उत्तर। यदि लोग सड़क के किनारे लगे संकेत चिन्हों का पालन करें तो दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है। मैं सड़क हूँ इस पाठ से हमें
क्या क्या शिक्षाएं मिलती हैं। मैं सड़क हूँ पाठ से मिलने वाली मुख्य शिक्षाएं। हमें सड़क के किनारे फलदार व छायादार वृक्ष लगाने चाहिए। सड़क पर किसी प्रकार का कूड़ा करकट नहीं फेंकना चाहिए। हमें सड़क पर गड्ढे नहीं करने चाहिए और यदि कहीं गड्ढे हो तो उनको भरने का प्रयास करना चाहिए। सड़क के किनारे लगे संकेत चिन्हों का नियमित रूप से निरंतर पालन करना चाहिए। इस पाठ से हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि हमें सुख दुख की परवाह न करते हुए निरंतर चलते रहना चाहिए। अंत में आपके सामने कुछ वाक्य दिए जा रहे हैं। भैया बहन, उन वाक्यों के सामने सही हैं तो सही का चिन्ह लगाएं और गलत हैं तो गलत का चिन्ह लगाएं। सड़क पर हमेशा बाईं ओर चलना चाहिए। वाहन तेज गति से चलाना चाहिए। कचरा फेंक देना चाहिए। संकेतों को ध्यान में रखकर वाहन चलाना चाहिए। सड़क पार करते समय पहले बाईं फिर दाईं ओर देखना चाहिए। इस पाठ को पढ़कर भैया बहन भी सड़क पर चलने के नियमों का नियमित रूप से पालन करेंगे तथा सड़क के किनारे लगे संकेत चिन्हों को पालन करने का प्रयास करेंगे ताकि दुर्घटनाओं से बचा जा सके, सड़क साफ सुथरी रह सके तथा आने जाने वाले यात्रियों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। ऐसा भैया बहन सभी अच्छा प्रयास करेंगे। इसी विश्वास के साथ जय श्री राम। नमस्कार। धन्यवाद।